अगर मैं जीनी से प्रिया बन सकती हूँ तो जीनी से विला भी तो बन सकती हूँ। जीनी, यस इज टू गुड। विला तू? तुम यहाँ इतनी रात अचानक कैसे? मैं यस सोने आया हूँ। लेकिन तुम वेला कैसे हो सकते हो? तो कुछ नहीं बोलेगा। अरे उसे बोलने दो। ये कुछ नहीं बोलेगा डॉक्टर। क्या नीचे के बेडरूम में जाके सो जा। यार विकी, वेला चुप, वेला चुप, बस वेला को चुप कराते रहो। तुम कौन हो? वेला, मैं जीनी हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी अब समझ में आ गया। तो ये भूत-भूत से छुप के यहाँ चादर में छिपे बैठे हैं। आज मैं तुम्हारे चेहरे से चादर ही नहीं, तुम्हारा राज से पर्दा भी उठा देंगे। अंदर मिरर रखा है। भूत हमारा चेहरा बना के इधर क्यों लेता है? कोई बात नहीं, चेहरा किसी का भी हो, भूत तो भूत ही है। आज हम इसको छाड़ेगा नहीं। गांगुली आ गए आप यहाँ इतनी रात को, ऐसे कैसे? ए भट्ट, हम अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, जबकि चतुर तो हम हैं। तुमने मुझे भूत कहा? अरे मुझको भूत नहीं कहेगा तो क्या कहेगा है? बोलो, पहले तुम हमारा चेहरा लगा के सोफा पे गिर गया, उसके बाद खड़ा होकर डॉक्टर बन गया। मिस्टर गांगुली, आप पागल हो गए हो। तुम पागल हो गया? आप होश में नहीं हो, तुम भूत हो। डॉक्टर और चतुर बाबू, चतुर बाबू और डॉक्टर, अब खेलते रहो एक दूसरे के साथ। चांसलिस, अरे मैं ही हूँ डॉक्टर साइरस डॉक्टर। लगता है मैंने तुम्हें जो पीली दवाई दी थी दिन में 3 बार लेने की, वो तुम ले नहीं रहे हो। Am I right, Mr. गांगुली? अरे बाबा, ये 3 बार दिन में पीली दवाई तुमको कैसे मालूम? I am doctor. इधर आओ। ओ खुदाई जी, मरी क्यों? मेरा नाक का फ्रैक्चर कर दिया। तुम ही डॉक्टर हो? ओ खुदाई जी, थैंक यू कि तुम्हारा अकल फिर से आ गया। ओ भगवान, थैंक यू कि डॉक्टर फिर से आ गया। जरा इधर आओ। चीख रहा है क्या? नहीं, नहीं। इतने दिनों से सोया नहीं, लो शायद सपना देख रहा हूं। आप मेरा यकीन करो डॉक्टर बाबू। कैसे यकीन करो? हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे किंतु मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अपने आप को यहाँ देखा। बोलो शक्ति। लगता है मिस्टर गांगुली, मुझे आपकी दवाई का डोज अब और हैवी करना पड़ेगा और आपकी मिसिस को बोलना पड़ेगा कि वो जबरदस्ती से आपको दवाई खिलाए, वरना आप पागल हो जाएंगे। अरे आप मेरी बात को यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने पहले अपने आप को यहाँ देखे, फिर जब मैं खड़ा हुआ तो मैं आप हो गए। बोलो। अच्छा अगे, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं कौन हूँ, मैं या तुम? है ना, अभी तुम हो, किंतु पहले तुम मैं था। शट अप मिस्टर चतुर गांगुली, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? अब बोलिए। मिस्टर गांगुली, आपको भ्रम हुआ है। बाबा, क्या हुआ? दो डॉक्टर, दो चोटू। क्या बक रहे हो? अरे मैं बकरा नहीं है, मैं चतुर गांगुली है। किंतु डॉक्टर के एक आगे डॉक्टर, डॉक्टर के एक पीछे डॉक्टर, आगे डॉक्टर, पीछे डॉक्टर, बोलो कितने डॉक्टर? इट्स इम्पॉसिबल। ये पीछे मुड़ के देखो। Thank you.
कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। आज तूने क्या किया? मैंने नहीं किया। तुम पागल हो गए हो। ना ना, फूल पागल। ना ना, नहीं, फूल पागल। सच्ची बोलता है। अब कुछ नहीं किया डॉक्टर बाबू। किसी अदृश्य शक्ति ने चुही चुही चुही। मिस्टर गांगुली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ इतनी जलील हरकत करेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था। This is not done, but it is done. And I have not done, yet it is done. मिस्टर गांगुली, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, आप अपने घर चले जाइए, प्लीज। ठीक अच्छे, मैं जाते हैं। किंतु जाने से पहले डॉक्टर बाबू, आप मानो या ना मानो, इस घर में भूत आछे। और भूत तुम शुश, भूत तुम जिधर भी आए, मैं चतुर गांगुली आज ऐलान करते हैं कि मैं तुमको पकड़ के रहेंगे। उड़ी बाबा। पकड़ लिया। ओ देखो लड़के का फट। मिस्टर गांगुली, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आई डोंट नो। आई लड़की का भूत नहीं, आई तो आप लोग कैप्टन व्हेल आछे। डॉक्टर, आप अभी तक सोए नहीं? ओ मिस्टर चतुर, हेलो मिस्टर चतुर। क्या हुआ? मिस्टर चतुर गांगुली पागल हो गया है। How nice. What? आप इधर घोड़ा बेच के सोया है, उधर आपके घर में क्या क्या होया है? हेलो हेलो, ओ चतुर जी, आप इतनी रात को? घबराने का जरूरत नहीं है, हम तो अक्सर आता जाता रहता है आपके घर में, आपका एब्सेंस में। अच्छा है बेके बाबू? हाँ। क्या आप जानते हैं आपका घर में कोई है? हाँ जानते हैं। अरे माने आप जानते हैं कि वो भूत आपका घर? भूत नहीं है, वो वेल्ला है। वेल्ला ना, ना बेल्ला बेल्ला नहीं है, बेल्ला लड़की है, और लड़की लड़की नहीं है, लड़की भूत है जो बेल्ला का रूप लिया हुआ है। वो भूत नहीं है, वो वेल्ला है, उसके घर में पेस्ट कंट्रोल हो रहा है जिसकी वजह से वो मेरे घर पे रुका है। इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर बेल्ला भूत नहीं है तो फिर कहीं डॉक्टर तो नहीं? बेके बाबू, हाँ? क्या आप जानते हैं कि आपके घर में बेल्ला के अलावा भी कोई है? डॉक्टर है? है, वो डॉक्टर नहीं है, वो लड़की है जो कि भूत है, जो कि डॉक्टर का रूप धारण करके बैठा है। अच्छा, अच्छे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप चतुर चतुर नहीं हो बल्कि आप एक भूत हो, चलेगा आपको? सही पकड़ा। हाँ भूत ही है, माने भूत हमारा रूप धारण करके सुबह पे लेटा था। शर्म मानी चाहिए चतुर जी आपको, आधी रात को किसी के घर में घुसते हो, उसको नींद से जगाते हो और उसके साथ भूत भूत खेलते हो। अन्ना, भूत भूत खेल नहीं रहा है, वही तो हम बताने का कोशिश कर रहा है कि पहले भूत ने मेरा रूप धारण किया, फिर मैंने डॉक्टर बाबू का रूप धारण किया, फिर डॉक्टर से भूत निकल के भेल्ला में घुस गया, फिर भेल्ला मेरे पास आके हेलो हेलो किया तो मैं कंफ्यूज होकर इधर चला आया। बोलो चीनी, एक दिन तुम मेरी जान ले लोगी। मेरा लड़का गड़बड़ छे, बहुत बड़ी गड़बड़ छे। मिस्टर चतुर गांगुली का केस बिगड़ता ही जा रहा है। हाँ, इसीलिए वो मुझे भूत कह रहे थे। बताइए, मेरे जैसे हैंडसम आदमी को भूत कह रहे थे? कसूर मिस्टर गांगुली का नहीं है, उनकी बीमारी का है, वो दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। अच्छा? हाँ, तुम्हें पता है उन्होंने मेरे मुँह पे एक ग्लास पानी फेंक के मारा। हाँ, क्या बात कर रहे हैं?
हाँ सच्ची। इसका मतलब उन्होंने एक ग्लास, मतलब पानी से भरा हुआ ग्लास ऐसे उठाया और आपके मुंह पे फेंक के मारा ऐसे। ये तूने क्या किया वेला? मैंने नहीं, ऐसे तो चतुर जी ने किया है ना। उन्होंने ऐसा ही किया था। अरे ये चतुर जी तो पूरे पागल होते जा रहे हैं। यू आर राइट डॉक्टर, मुझे लगता है चतुर जी का केस ना बिगड़ता ही जा रहा है। लेकिन अब तो मैं पागल हो रहा हूँ। क्यों क्यों? अरे आयशु आयशु, आई ग्लास में जो पानी था वो तो चतुर गंगुली ने मेरे मुंह पे फेंका था और पानी नहीं था। फिर इसमें पानी कहाँ से आ गया? पानी कहाँ से आ गया? चलो सोचते हैं। चतुर जी आगे आगे नहीं पीछे अपने घर जाइए। ना ना अभी घर कैसे जाएगा, अभी तो भूत को पकड़े गया है। अरे घर जाके भूत पकड़िए ना, चुपचाप घर जाइए नहीं तो मैं दुर्गा भाभी को बुलाएगा। दुर्गा को बुलाने का क्या जरूरत है, नीचे ऑलरेडी भूत है। चतुर जी आगे जाइए। ठीक है, आप भी बोलता है तो जाता है। चतुर जी रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। वही तो, जा नहीं सकते बोला, बैठने के लिए नहीं बोला। तो मैं खुद आपको बाइज्जत घर से बाहर निकालूंगा। हाँ, that's better. Follow me. सॉरी डॉक्टर साहब। सब ऑल वेल? ठीक हो? विक्की दिखला, तुम्हें पता है इन्होंने मेरे साथ क्या किया? विक्की तुम्हें पता है इन्होंने इनके साथ क्या किया? विला डॉक्टर चतुर जी, जो होना था सो हो गया है ना। हमारे चतुर जी बेचारे बहुत थक चुके हैं, नींद में है, ये सोना चाहते हैं, इसीलिए अपने घर जाएंगे। नन्ना क्या भाभी वेट कर रही है? हम जा रहे हैं। उधर कहाँ जा रहे हैं? उधर ही से आया है। मेन डोर इधर है, उधर नहीं। नेक्स्ट टाइम वहां से आए ना तो कुत्ता छोड़ूंगा आपके पीछे। सॉरी, चलिए बाय चतुर जी। दुर्गा भाभी वेट कर रही है। आमी की बोलची गए, आप भी जाइए, सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट। ठीक है विकी, सो जाते। लेकिन सुनो तो, तुम्हें पता है चतुर जी ने डॉक्टर के साथ क्या किया? उन्होंने पानी से भरा हुआ ग्लास ऐसे उठाया और डॉक्टर के मुंह पर फेंक दिया ऐसे। यू वेला वेला तरु खच्चर जाए, मेरे को कुछ मालूम है? यू आर आउट ऑफ योर माइंड। अरे मैं तो विकी को ये बता रहा था कि चतुर जी ने आपके साथ क्या किया और कैसे किया। अरे तो तू बोल के भी बता सकता था, ऐसा बार बार डेमो दिखाना जरूरी है? घन चक्कर कहीं का? ओह यस, मैं तो ये बोल के नहीं बता सकता था। आई एम सॉरी डॉक्टर, नॉट एक्सेप्टेबल। ओ कोडाई जी, मैं इधर आके कहां पहुंच गया? आज के बाद ये डॉक्टर मेरे जूजू के घर रात को तो क्या दिन में भी नहीं आएगा। हमारा तो नींद ही उड़ गया है और आप तो हमको तब तक नींद नहीं आएगा जब तक हम उस भूत को पकड़ नहीं लेंगे। तो पक्का है कि ना है कि या तो डॉक्टर भूत है या फिर ढल्ला भूत है। तो कैसे पता चलेगी कि सच क्या है झूठ क्या है? आइडिया? अरे फोन बताएगा ना कि सच क्या है झूठ क्या है। अभी डॉक्टर को फोन करते हैं। ये पानी का ग्लास तो खाली था, ये कैसे भर गया? क्या देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब, छोड़िए ना ये सब, सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके। आप बोलिए चतुर। आप पहचान गया कि हम चतुर बोल रहा है? आप क्या बोलना है? देखो डॉक्टर बाबू, हम आपको सॉरी बोलने के लिए फोन किया। ओके। हमारा वजह से आज आपको इतना तकलीफ हुए, सॉरी हैं? यस यस यस। हम आपको प्रॉमिस करता है कि आज से हम तीन थो टाइम एलो गोली लेंगे। ओके मिस्टर चतुर गांगुली, अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। हाँ। आप फैला कबाड़े। हेलो बाबा,
पहला तो यहाँ खड़ा है बिक्की का बगल में, तो फिर ये कौन हेलो बोलता है? हेलो हेलो, कौन है बोलो? भेल्ला बाबू, हम चतुर गांगुली बोलता है, आप किधर है? चतुर जी, इतनी रात को कोई कहाँ होगा, अपने घर पे हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दीजिए प्लीज। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। किसका फोन था? मिस्टर चतुर गांगुली का। क्या कह रहा था? उन्होंने मुझे सॉरी बोला और प्रॉमिस किया कि वो रेगुलर दवाई लेगा। और क्या बोला? और क्या बोलेगा, कुछ भी तो नहीं। तो सो जाओ ना, गुड नाइट। अच्छा, सुला दे सुला दे। थैंक यू विकी दिक्रा, गुड नाइट। हेलो बिल्ला बाबू, फोन रख दिया, कोई बात नहीं, रिडायल करबो। बोलिए। हेलो बिल्ला बाबू, हमारा बात कान से और ध्यान से सुनो। बैके बाबू सीढ़ियों से गिर गया है, बहुत मस्त बड़ो चोट लगा है। क्या हम सब बिक्की बाबू का घर में हैं, आप भी फौरन बिक्की बाबू का घर में आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बस अभी पहुंचता हूँ, अब पहुंचता हूँ मैं। बाप रे विक्की, तुम्हारी भी मस्ती बहुत हो गई थी, नहीं समझे ना? चतुर को शक हो गया ना तो भांडा फूट जाएगा। जा जाओ सो जाओ। जब आप गुस्सा करते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। गुड नाइट, बत्ती बुझाओ, जाओ। बाय मित्रम। बाय। गुड नाइट। भेल्ला का भूत, अब हम तुमको अंदर कैद कर दिया है, अब असली भेल्ला आएगा और भूत का भूत पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर के साथ मस्ती करके मजा आ गया। चल जीनिया, अब तेरे सोने का समय हो गया है। एक मिनट, कहीं डॉक्टर ने मुझे देख लिया तो? कोई बात नहीं, जीनी बन के नहीं, मैं वेला बन के सोऊंगी। स्मार्ट गर्ल। कौन आया होगा? अरे यहाँ तो कोई सोने भी नहीं देता। अब कौन आया है यार? कहीं चतुर जी तो नहीं आ गए वापस? What is this यार? मिस्टर चतुर गांगुली? अरे कहाँ है विकी? कैसा है वो? How is he? एक गधेरा, this is too much. इतनी रात को ऐसे मजाक करते हो? मजाक? और नहीं तो क्या? तुम बेडरूम में थे और अभी अभी तुम फिर से मेन डोर से एंट्री मार रहे हो? मिस्टर चतुर गांगुली, आपने मुझे प्रॉमिस किया था और आप फिर से यहाँ आ गए? आना ही था, क्योंकि अब मैं तुमको वो बात बताने जा रहे हैं जिसको सुन के तुम्हारा पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएंगे। क्या बोल रहे हो आप? बोला कहा है? आप बोलेंगे ये जो भेल्ला है ये वो भेल्ला नहीं जो अंदर है, ये असली भेल्ला है। अरे क्या असली नकली? चतुर जी आप आगे आ गए? आप मुझे यकीन था कि आपने ही घंटी बजाई होगी। अरे घंटी मैंने बजाई। तूने क्यों बजाई? कि मुझे अंदर आना था। तू तो अंदर था बेडरूम में। अरे वो सब छोड़ यार, तू कैसा है? तू सीढ़ियों से गिर गया था ना मेरे भाई। मैं कब गिर गया था? नहीं बताते हैं सब कुछ, मैं खोल के बताते हैं। देखो बिक्की, ये जो भेला है ये वो भेला नहीं है जो कि अंदर है, क्योंकि ये भेला अपने घर से आया है, क्योंकि मैंने उसको बुलाया है कि तुम सीढ़ी से गिर गया है। अब समझा, अंदर जो भेला है वो भूत है।
हे भगवान, जीनी तो वेला बन के आराम से सो रही है, लगता है आज मुसीबत आके रहेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।